What's up everyone, welcome back to the channel. This is day 3 of our 60-day strategy economics और आज income determination and multiplier में आपके साथ चर्चा करूंगा मल्टीप्लायर के बारे में जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है इस चैप्टर से. तो कैसे काम करता है मल्टीप्लायर, क्या होता है मल्टीप्लायर, बहुत ध्यान से समझ लो और किस तरीके से इकोनॉमी में एक छोटे से पैसा इन्वेस्ट होने से बहुत सारी इनकम जनरेट होती है, आओ डिस्कस करते हैं. लेट्स बिगिन. आज के पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, मल्टीप्लायर का एक्चुअल मीनिंग क्या है, मल्टीप्लायर एमपीसी का क्या रिलेशन है, मल्टीप्लायर एमपीएस का क्या रिलेशन है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है मल्टीप्लायर की, और एक होती है वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर भी करने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले व्हाट एक्चुअली इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. देखो ये हमारे प्रोफेसर कीन्स का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाता है. कीन्स का मानना यह था कि अगर इकोनॉमी में किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट करा जाता है तो वहाँ से बहुत सारी इनकम जनरेट हो सकती है. मतलब कीन्स ने यह बोला कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ से काफ़ी गुना इनकम जनरेट होती है. मल्टीप्लायर इसी को बोलते हैं. मल्टीप्लायर को डिनोट करा कीन्स ने के से. तो के का एक फॉर्मूला बताया है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई. ठीक है, अब सपोज फॉर एग्जांपल इकोनॉमी में 1,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे गए, नए लगाए गए, तो उससे 10,000 करोड़ की इनकम जनरेट हो गई. 10,000 करोड़ की, तो मैं क्या बोलूंगा कि 10 times वैल्यू बढ़ रही है. और 10 times क्या है, द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर. बात समझ रहे हो कि इन्वेस्टमेंट करने से जितनी इनकम जनरेट होती है उसी को हम लोग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोलते हैं. क्या लिखा है, Keynes believed that an initial increase in investment increases the final income by many times. अगर आप पैसा लगाते हो तो इकोनॉमी में बहुत सारा पैसा जनरेट हो जाता है. आपने सुना होगा पैसे से पैसा बनता है. कैसे बनता है वो मैं आपको अभी वर्किंग में सिखाने वाला हूं. तो मल्टीप्लायर इज वॉट, मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन इनकम दैट इज डेल्टा वाई ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट दैट इज डेल्टा आई. तो के का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई. अब मल्टीप्लायर किस पे बेस्ड होता है, मल्टीप्लायर बेस्ड होता है एमपीसी पे, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. बेसिकली मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, याद करो एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई. यानी कि जब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की इनकम बढ़ती है तो वो कंजम्पशन को भी बढ़ाता है, उसी को हम एमपीसी बोलते थे. अब देखो इकोनॉमी में क्या होता है, एक का खर्चा होता है तो दूसरे की इनकम होती है. सपोज आपने अपनी फीस पे करी तो आपका एक्सपेंसेस, जिसको मिली उसकी इनकम, फिर वो बट सपोज मुझे मिली तो मेरी इनकम, मैंने उससे कुछ और लिया तो मेरा एक्सपेंस सामने वाले की इनकम. तो दिस इज अ ट्रू फैक्ट कि वन पर्सन इनकम इज अनदर पर्सन एक्सपेंडिचर, अनदर पर्सन एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम. तो ये सर्कल चलता रहता है. इसी तरीके से पैसा जनरेट होता है. इसको कैसे समझा जाएगा, इसको समझो. देखो फिर मैं इस पे वापस आ जाता हूं. यहां पे मैं एज्यूम कर रहा हूं कि एमपीसी 0.9 है. एमपीसी 0.9 का मतलब ये हो जाता है कि अगर मैं 100 रुपीज की मेरी इनकम बढ़ती है तो उसमें से मैं 90 रुपीज से कंजम्पशन भी बढ़ा दूंगा. ठीक है, तो मैं एमपीसी 0.9 एज्यूम कर रहा हूं. सपोज राउंड वन में गवर्नमेंट ने किसी प्रोजेक्ट में, यही ले लेते हैं, 1,000 रुपए लगाए हैं, 1,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए. अब गवर्नमेंट ने अगर 1,000 करोड़ रुपए किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, तो सामने जो कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे, जो वर्कर्स होंगे, जितने भी लोग काम कर रहे होंगे, उनके लिए इनकम, एक के लिए एक्सपेंडिचर तो दूसरे के लिए इनकम. तो इन्वेस्टमेंट हुआ 1,000 करोड़ का, उससे किसी ना किसी की 1,000 करोड़ की इनकम जनरेट हो गई. किसी ना किसी की वहां से कितनी इनकम जनरेट हो गई, 1,000 करोड़ की. अब क्या होता है, इस 1,000 करोड़ में से, क्योंकि एमपीसी 0.9 है, एमपीसी 0.9 है यानी कि 90%, तो इस 1,000 में से कंजम्पशन होगा 900. कंजम्पशन कितना होगा, 900, और सेविंग कितनी हो जाएगी, 100. हमने एमपीसी को एज्यूम करा हुआ है 0.9, तो चेंज इन कंजम्पशन तो 900 होगा ना, 90%. अब देखो फिर से इस 1,000 में से अगर 900 खर्चा हुआ है, कंज्यूम हुआ है, तो सेकेंड राउंड में क्या ये 900 फिर से किसी ने और किसी की इनकम हो जाएगी या नहीं हो जाएगी.
यही 900 जब खर्चा हुआ किसी का, तो किसी ना किसी की इनकम हुई। सपोज 1000 मुझे मिला, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैंने इसमें से 100 सेव करके 900 की अपनी स्कूल की फीस दे दी, बच्चों की फीस पे कर दी। अब फीस पे करके वो फीस मेरा खर्चा, स्कूल की तो इनकम हो गई, इकोनॉमी में तो फिर इनकम जनरेट हो गया। अब स्कूल ने क्या करा, इसमें से 10% सेव करके, यानी कि ये 90 सेव करके 90% टीचर्स की सैलरी दे दी या कुछ और खर्चे कर दिए, तो खर्चा कितना हो गया 810। अब जब टीचर्स की सैलरी दी और खर्चे करे, तो वो टीचर जाके फिर कुछ सामान खरीदेंगे, घर का राशन लेके जाएंगे, कुछ करेंगे, फिर से किसी ना किसी की इनकम, तो ये 810 फिर घूम के वापस आ गया थर्ड राउंड में। अब इस 810 में से बेसिकली 81 सेव करके बाकी बचा हुआ 90% फिर से कंज्यूम करा जाएगा। ऐसे ही ये सर्कल घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। अब हमारे पास इसमें से 810 में से 81 अगर हम खर्च कर दें तो 700 कितना बचेगा। ये हमारे पास 810 में से अगर हम माइनस कर दें तो 729 बच जाएगा। कितना बच जाएगा हमारे पास, 729। तो ये 729 फिर किसी ना किसी की इनकम अगले राउंड में। तो ये ऐसे ही चलते जाएंगे राउंड्स, ये राउंड्स ऐसे ही चलते जाएंगे। आप इसी तरीके से 7-8 राउंड्स दिखा देना, मतलब 7-8 राउंड लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये 3-4 बहुत होते हैं। इतना लिख के लास्ट में आपको टोटल करना है। जब आप टोटल करोगे तो आप देखोगे कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो 1000 का ही था। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था, 1000। लेकिन इस 1000 करोड़ से जो इनकम जनरेट हुई होगी वो जनरेट हो गई होगी 10000 करोड़ की। कितनी इनकम जनरेट हो गई होगी, 10000 करोड़ की। और यहाँ पे कंजम्पशन कितना हुआ होगा, 9000, और सेविंग कितनी हुई होगी, 1000। देखो जितना इन्वेस्टमेंट हुआ था उतना ही क्या जनरेट हो गया इकोनॉमी में, सेविंग्स हो गई। अब सर हमने तो इसको, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे टोटल वैल्यू क्या आएगी, ये मुझे कैसे पता चलेगा। चलो वो भी तुम लोग को एक शॉर्टकट बता देता हूँ, बट स्टिल अगर मुझे मल्टीप्लायर की वैल्यू जाननी हो कि कितना मल्टीप्लाई हुआ है पैसा, तो मल्टीप्लायर का मुझे फॉर्मूला पता है ना, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो डेल्टा वाई चेंज इन इनकम कितना हो गया टोटल, 10000, और इन्वेस्टमेंट कितना था, 1000। तो देखो 10 टाइम्स पैसा मल्टीप्लाई हो गया, लगाया था 1000 जबकि टोटल कितना बन गया, 10000 करोड़ की इनकम। तो एक इन्वेस्टमेंट लगाने से कितनी इनकम जनरेट होती है, यही हमारा मल्टीप्लायर होता है। अब सर एग्जाम में कैसे पता चलेगा, एक फॉर्मूला और होता है मल्टीप्लायर का, फॉर्मूला होता है K=1/1-MPC। इस फॉर्मूले को भी ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। एक फॉर्मूला तो ये और एक फॉर्मूला ये, K=1/1-MPC। देखो अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ 1/1-, मेरा MPC कितना है, 0.9, तो मेरा वैल्यू आएगा 1/0.10। आ गया या नहीं आ गया, देखो 1 में से बस MPC की वैल्यू 0.9 पुट करी, तो ये आ गया, अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो 100/10, 10 टाइम्स। मुझे MPC तो खुद ही एज्यूम करना है ना, तो मुझे पहले से ही पता था कि इस MPC की हेल्प से 10 गुना इनकम जनरेट होगी। तो मैं एग्जाम में सीधा 1000 का 10 टाइम्स यहाँ कितना लिख के आऊँगा, 10,000। अब सपोज मैंने MPC 0.5 लिया होता, लेट सपोज मैंने MPC क्या लिया होता, 0.5। अगर मैंने MPC 0.5 लिया है तो K=1/1-MPC में 1/1-0.5, यानी कि 1/0.5 बचेगा। पॉइंट हटाया 0, तो इनकम कितनी जनरेट होती, 2 टाइम्स। कितनी इनकम जनरेट होती है हमारे पास, 2 टाइम्स जनरेट होती। तो मैं यहाँ 1000, तो यहाँ पे मैं बस 2000 लिखता। बात समझ रहे हो, यही हमारा तरीका है, दिस इज एक्चुअली मल्टीप्लायर, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ को समझो, यहाँ से जल्दी से एक कॉन्सेप्ट को समझ लो। मैंने जैसे ही MPC को 0.9 से 0.5 करा, यानी कि मैंने MPC की वैल्यू को कम करा, MPC की वैल्यू को कम करा, तो इससे हुआ क्या, इससे जो मेरा मल्टीप्लायर है वो 10 टाइम्स से 2 टाइम्स हो गया। मल्टीप्लायर कितना हो गया, 10 गुना से 2 गुना, यानी कि अगर MPC कम होता है तो मेरे मल्टीप्लायर की वैल्यू भी कम हो जाती है। मल्टीप्लायर की वैल्यू भी क्या हो जाती है,
कम हो जाती है। और अगर एमपीसी बढ़े, देखो अगर एमपीसी 0.5 से 0.9 कर दूं, एमपीसी बढ़ा दूं, तो ये भी तो 2 times से 10 times हो जाएगा। तो अगर एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ जाता है तो मल्टीप्लायर भी बढ़ जाता है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि एमपीसी और मल्टीप्लायर में देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो मैंने लिखा है मल्टीप्लायर और एमपीसी में कैसा रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। 1 mark में पूछा जा सकता है आपसे, दिस इज इंपॉर्टेंट। मल्टीप्लायर और एमपीसी में देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। अगर एमपीसी बढ़ रहा है तो मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा, एमपीसी कम हो रहा है तो मल्टीप्लायर भी कम होगा। देखो ऑब्वियस है, एमपीसी बढ़ने का मतलब कंजम्पशन बढ़ रहा है, जितना ज्यादा कंजम्पशन उतनी ज्यादा इनकम, उतनी ही पैसा और जनरेट होता चला जाएगा। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। अब मेरे पास आता है मल्टीप्लायर एंड एमपीएस। सर मल्टीप्लायर और एमपीएस का रिलेशन बताओ, तो देख लेते हैं मल्टीप्लायर और एमपीएस का क्या रिलेशन है। आ जाओ यहां से आपको एक फॉर्मूला और मिल जाएगा। एक फॉर्मूला और कैसे मिला सर, क्या मैं 1 minus MPC को एमपीएस भी बोल सकता हूं? क्या हम 1 minus MPC को एमपीएस बोल सकते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? चलो मैं ही बता देता हूँ, बोल सकते हैं भाई। 1 में से देखो एमपीसी और एमपीएस का सम 1 होता है, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया है। एमपीसी और एमपीएस क्या होता है, 1। तो अगर मुझे यहाँ से एमपीएस की वैल्यू निकालनी हो तो 1 minus MPC होती है, तो के का एक फॉर्मूला और हो जाएगा 1 upon MPS। तो मल्टीप्लायर क्या, आपके पास ये एक फॉर्मूला, ये 2 formula और ये 3 formula, आपके पास हो गया 3 formulas। अब मैं यहीं से देख सकता हूँ, देखो k इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू MPS, k की जो वैल्यू आ रही है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है। अब सपोज वही वाला ले लेते हैं कि पहले वाले केस में 0.5 था MPC, फिर 0.9 ले लो MPC। अगर MPC 0.5 है तो MPS भी 0.5 होगा, MPS भी 0.5 होगा भाई, अगर आधा कंज्यूम कर लिया तो आधा सेव करा होगा। और अगर MPC 0.9 है तो MPS 0.1 होगा, MPS कितना होगा 0.1। तो अब देखो अगर MPS 0.5 है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आती है, 1 upon 0.5, पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ, 2 times। और अगर 0.5 से 0.1 कर दूं, कम कर दूं, यानी कि अगर MPS को कम कर दूं, MPS कम, पहले 2 times आया था, तो अब MPS को कम करा 1 upon 0.1, 1 upon MPS, ठीक है, पॉइंट हटाया, 0 लग गया, 10 times, तो ये बढ़ गया, 2 से 10 हो गया। अगर MPS कम करा तो मल्टीप्लायर बढ़ गया, MPS कम करा तो मल्टीप्लायर बढ़ गया। सिमिलरली अगर MPS बढ़ाऊंगा तो मल्टीप्लायर कम हो जाएगा। तो मल्टीप्लायर और MPS में कैसा रिलेशनशिप होगा, इनवर्स रिलेशनशिप। यही तो इसके अंदर कलाकारी है, MPC और मल्टीप्लायर डायरेक्ट और MPS और मल्टीप्लायर इनवर्स, ठीक है। इसके बाद अब हमारे पास मार्कर कहाँ गया मेरा, ब्लू वाला मिल गया। हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आ रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से फटाफट से, हो गया। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आता है कि व्हाट वुड बी द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के लिए मुझे फिर से एमपीसी को यूज करना है। देखो मुझे पता है कि एमपीसी 0 and 1 के बीच में लाए करेगा, हमेशा 0 and 1 के बीच में लाए करेगा एमपीसी। तो अगर एमपीसी की वैल्यू 0 मान लूं तो k की वैल्यू कितनी होगी, 1 upon 1 minus MPC, यानी कि 1 upon 1 minus 0। अगर 1 upon 1 minus 0 कर दूं तो 1 upon 1 आंसर विल बी 1, ठीक है। अगर MPC 0 है तो मल्टीप्लायर 1 होगा। अगर MPC को 1 मान लूं, अगर MPC को 1 मान लूं तो k इज इक्वल टू 1 upon 1 minus MPC, यानी कि 1 upon 1 minus 1, 1 upon 0, something upon 0 is infinite। तो मुझे यहां से पता चल गया कि जब MPC 0 से 1 के बीच में घूम रहा है तो मल्टीप्लायर वुड ऑलवेज बी लाइंग बिटवीन इन 1 and infinity। ये ध्यान रखना, आपसे कोई भी पूछ ले मल्टीप्लायर की वैल्यू कहाँ लाई करेगी, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू लाई करेगी इन बिटवीन 1 and infinity। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं।
तो आज की इस क्लास में हमने मल्टीप्लायर वाला पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको करा दिया प्रॉपरली, जितने भी क्वेश्चंस इस पे बनते थे सब करा दिए। इस पे बेस सीबीएसई में अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा आपको। आज बेसिक थ्योरी वाला पोर्शन था, अपनी बुक से ध्यान से रीडिंग कर लो, सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी। स्टिल कुछ प्रॉब्लम आती है तो लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन, नेक्स्ट क्लास में कवर कर देंगे। ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म, बस फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट बचा, वो अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ, और ये यूनिट हमारा कंप्लीट। आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। कोई दिक्कत आती है तो चिंता मत करना, आई एम हियर विद यू, जितना मेरे से हो पाएगा हम डेफिनेटली करेंगे। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।